दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इन दिनों अगर कोई सीरियल लाखों दर्शकों का खूब एंटरटेनमेंट कर रहा है तो वो है सीरियल साथ निभाना साथिया सीजन 2, जिसमें मुख्य अभिनेत्री के तौर पर कनक का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं अभिनेत्री आकांक्षा जुनेजा, जो इस सीरियल में बहुत ही क्यूट और स्वीट स्वभाव को पर्दे पर उतारती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि न सिर्फ सीरियल में बल्कि असल जिंदगी में भी ये सबके साथ काफी अच्छा रिश्ता रखती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि असल जिंदगी में सबके साथ अच्छा रिश्ता रखने वाली अभिनेत्री आकांक्षा जुनेजा एक शख्स से बेहद नफरत करती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, आपके फेवरेट अभिनेत्री आकांक्षा जुनेजा एक शख्स से इतनी नफरत करती हैं कि उनसे बात करना तो दूर, उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करती। तो आखिरकार कौन है वो शख्स जिन्होंने इनको इतना हर्ट कर दिया कि आज ये उनसे बात करना तो दूर, उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अगर आप भी उस शख्स से मिलना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। साथ ही अपनी फेवरेट अभिनेत्री आकांक्षा जुनेजा के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूले। स्टार प्लस पर प्रसारित किया गया सीरियल साथ निभाना साथिया सीजन 2 में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर कनक देसाई का किरदार निभाकर मशहूर हुई अभिनेत्री आकांक्षा जुनेजा किस शख्स से नफरत करती हैं? तो आपको बता दें कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्य हैं। जी हाँ, देवोलीना ही वो शख्स हैं जिन्होंने इनके दिल को इतना दुखाया कि आज ही उनसे बात करना तो दूर, उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। तो आइए जानते हैं कि अभिनेत्री आकांक्षा जुनेजा इनसे इतनी नफरत क्यों करती हैं। दरअसल बात तब की है जब ये दोनों सीरियल साथ निभाना साथिया सीजन 2 में अभिनय करते हुए नजर आ रहे थे। उसी दौरान जब भी आकांक्षा जब कोई शॉट देती तो देवोलीना भट्टाचार्य बार बार उन्हें एक ही बात कहती कि इस शॉट को ऐसे नहीं वैसे करो, ऐसे नहीं वैसे करो। इनकी ये बात बार बार सुनने के बाद अभिनेत्री आकांक्षा अपना शॉट परफेक्ट देने के लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस करती और अच्छे से अच्छा शॉट देने की कोशिश करती थी। इसी के चलते एक दिन अभिनेत्री देवोलीना ने डायरेक्टर से ये बात कह दी कि आकांक्षा जुनेजा शूट को परफेक्ट तरीके से पर्दे पर नहीं उतार पाती। ये बात सुनने के बाद अभिनेत्री आकांक्षा काफी ज्यादा गुस्से में आ गई और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच काफी बहस हुई और बहस के दौरान ही देवोलीना ने इनको काफी कुछ भला बुरा कह दिया, जिसके चलते आकांक्षा जुनेजा को इनसे नफरत हो गई और वर्तमान में इनसे इतनी नफरत करती हैं कि इनसे बात करना तो दूर, इनकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। तो दोस्तों, आपको क्या कहना है? अभिनेत्री आकांक्षा जुनेजा को अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्य से नफरत बरकरार रखनी चाहिए या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी और भी मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।